फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। तब मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, आज मैं किस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रही हूँ वो तो वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा। तो आज मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ ऑन द वीडियो अखिया में नशावा, पाव स्टार पवन सिंह, आस्था सिंह, अखिया भोजपुरी सॉन्ग। ओके, तो ये गाइस सूर्यवंशम मूवी का गाना है। तो सच बोल रही हूँ गाइस, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रही है कि एक ही वीडियो के लिए, मतलब इतना दिन से मैं रिएक्शन कर रही हूँ, इतना दिन से मैं वीडियो देख रही हूँ या जो भी है, मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि इस वीडियो के लिए आखिया में नशावा, इस वीडियो के लिए यार मेरे पास आई थिंक 100 में से 90% जो कमेंट्स है ना, बस यही है कि मैम आप अखिया में नशावा इस वीडियो पर रिएक्ट कीजिए। आई डोंट नो यार इस वीडियो के अंदर क्या है, मैं कभी भी रिएक्शन करने से पहले वीडियोस को नहीं देखती हूँ, बट सच में जब से आप लोगों का कमेंट्स आया ना, तब से मेरे मन में एक ही बात है कि मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है जो आप लोगों का इतना ज़्यादा कमेंट्स आ रही है। तो इसीलिए मैं जल्दी लेके आ गई हूँ वीडियो को रिएक्ट करने के लिए। तो चलिए पहले वीडियोस को देखती हूँ, पहले एंजॉय करती हूँ, फिर करती हूँ आप लोगों से बातें। बट से पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टा का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जरूर जाके चेक करना एंड जरूर फॉलो करना। ओके, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Oh,
सच में ये यूनिक तरीका है सच में, मतलब आस्था मैम आके वो बच्चे को किस किया और पवन जी भी आके एकदम, ये लास्ट सीन एकदम यूनिक। ये ट्राई करना चाहिए सबको। जिनके घर में मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट है डायरेक्ट तो जाके नहीं ले सकता है ना, तो ऐसा ट्रिक यूज करना चाहिए। बाकी ओवरऑल वीडियो गाइस बहुत ही ज्यादा क्यूट है भाई, लव स्टोरी है, इसीलिए आप लोग का इतना ज्यादा कमेंट्स आ रही थी ना कि रिएक्शन करो। बहुत क्यूट स्टोरी है सच में, मतलब एक देसी टचअप था इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जहाँ पे शूट किया गया है मतलब जो लोकेशन था वो ओवरऑल लोकेशन ही मुझे गांव का सीन ऐसा फील हुआ देख के। एंड पवन जी का भी जो लुक था एकदम नॉर्मली शर्ट पहन के जो भी था, एकदम गला में गमछा वमछा है, और आस्था मैम भी नॉर्मली एकदम सलवार पहन के, सो एक गाँव का फील आ रही थी। एंड एक गाँव का जो रियल वाला लव स्टोरी होती है ना ऐसा फील हो रही थी वीडियो देख के। तो ओवरऑल वीडियो लोकेशन एंड जो स्टोरी था ना, स्टोरी मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी यार। लव स्टोरी देखने किसको पसंद नहीं है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं तो वेट करती हूँ कि कब पवन जी का कोई लव स्टोरी सॉन्ग आए, मुझे बहुत अच्छी लगती है सच्ची में। तो ये वीडियो भी मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस, मैं तो फुल एंजॉय कर रही थी, मेरा भी मन में लड्डू फूट रही थी देख के। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ये वीडियो और साथ में मेरा रिएक्शन, जरूर आप लोग कमेंट में बताना। आई नो कि मैं थोड़ा लेट से रिएक्ट कर रही हूँ, बट आप लोगों को पता ही है कि मेरा चैनल पे प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा लेट से रिएक्ट कर रही हूँ ताकि और स्ट्राइक ना आए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो चैनल पर, इसीलिए मैं थोड़ा लेट से रिएक्ट कर रही हूँ। बाकी आप लोगों का तो सपोर्ट है ही मेरे साथ, वो तो मुझे पता है, भले ही मैं कितना भी लेट क्यों ना करूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस जरूर लाइक कर देना, साथ में थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू।